नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए RPSC सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो ये GK का पेपर है, फर्स्ट पेपर जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर हुआ था ग्रुप डी में। तो इसकी आंसर की अपन उत्कर्ष क्लास है जोधपुर की जो आंसर की है उसने जारी की है आंसर की, तो उसके आधार पर पूरा पेपर का सोल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज़ नाम से है, तो आप ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर GK का पेपर था ये, और 2 घंटे का पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 200 अंक के थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर केवल पहला सही है, ए वाला, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में 3रे स्थान पर है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल एक इसमें सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ठीक है। चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। और दूसरा है, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। तो इसमें हो गया 1 और 2 दोनों इसमें सही है, ठीक है, ए बी दोनों सही है। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो यह 1919 का अधिनियम, तो 2 इसके अंदर राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ABCD, ठीक है, ABCD, केंद्रीय विधेयक की 2 सदन, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, संविधान सभा की रचना और केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, ठीक है। भारत में संवैधानिक विकास का सही क्रम ABCD ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो यहाँ पर जाएगा बम्बई, क्या हो जाएगा, बम्बई। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? तो संयुक्त राज्य इसमें अमेरिका। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन को यहाँ पर समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 के साथ में यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, तो यह अनुच्छेद 51-52 में जाएगा, ठीक है, MA 2। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, तो बी के अंदर जाएगा ये, देखिए थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, इसमें ये हो गया और इसमें जाएगा 4, बी के अंदर हो गया अनुच्छेद 51A, ठीक है, और सी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो इसमें जाएगा ये अनुच्छेद 51A 8, और देश की रक्षा इसमें जाएगा ये 3 नंबर अनुच्छेद 51A 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 है, ठीक है, 2, 4, 1, 3। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे, यहाँ पर HC मुखर्जी नहीं थे, KM मुंशी थे, NG अयंगर भी थे और SM सादुल्ला का भी थे, ठीक है, तो HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा, क्या हो जाएगा इसमें, भाषा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो यहाँ पर जाएगा राजीव गांधी, ठीक है, 3 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है यहाँ पर, बहुजन समाज पार्टी 1985, ठीक है, तो ये इसमें गलत है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है,
वह है तो निजी संपत्ति का विरोध। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है, तो अनुच्छेद 201 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया, तो 8 बार। कितनी बार? 8 बार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये ब्राज़ील के अंदर आयोजित हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलता को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसमें जाएगा पश्चिमी बंगाल, बीजू जनता दल, ये उड़ीसा हो जाएगा, और जो इंडियन नेशनल लोक दल है ये हरियाणा हो जाएगा, और लोक जनशक्ति पार्टी ये हो जाएगा बिहार। तो कौन सा होगा इसमें? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, एशिया एक जुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशिया संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था, तो 1947 का राइट आंसर है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा देखिए वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ABCD, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है, तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, तो 23 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर क्वेश्चन है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत कहलाता है, तो प्रोक्सिमा मॉडिस्टल, निकट से दूर। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मिलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं करता, अधिगम का यह नियम जाना जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम, क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ओलपोर्ट के अनुसार वेशील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है, तो यहाँ पर जाएगा केंद्रीय शील गुण। 3 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, तो वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। 28 नंबर क्वेश्चन है, निर्मितवाद के पाँच ई उपागम के 195 में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा विस्तार। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 29 में देखिए इसमें बी और सी, ठीक है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर क्वेश्चन है, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, त्रितंत्रीय ट्राई और के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, तो कौन सी बुद्धि कहलाती है? ये व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। 2 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो यहाँ पर समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है तो समाज इनकी रक्षात्मक युक्ति कहलाती है दमन, क्या हो जाएगी? दमन। 33 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप देहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति पुनः प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन में प्रणोदन, ठीक है, प्रणोदन, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा
कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। दो, इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो यहाँ पर जाएगा प्रदीपन। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? देखिए 36 के अंदर जाएगा यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिवृत्ति होगी? तो यहाँ पर जाएगी प्रकट। 4 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन है, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षाओं को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो जाएगा सरल शब्दों में निर्देश देंगे और दूसरा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग यहाँ पर उपयोग करेंगे और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गए, 1, 2, 4। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? देखिए बी और सी, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं, और अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो कौन सा कोर्स है यहाँ पर? पहला। ठीक है, बी और सी। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। देखिए कोटा उदयपुर से उद्गमित होती है, अतमती मेसवा वेतरक्ष की सहायक नदियाँ हैं और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। 42 नंबर क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान, तो ओसा जोधपुर, बालदेरी चूरू और देशनोक बीकानेर में। ए बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो हो जाएगा पाली में। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ये हो जाएगा सर्वाधिक पाली में। 45 नंबर क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युगम? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगानगर और झुंझुनू। ठीक है, गंगानगर झुंझुनू। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, फसल हैं और प्रमुख उत्पादक गेहूं, गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का बिलवाड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 4, 2। 47 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है? तो कितना है? 1.66% की यहाँ पर कमी हुई है। ठीक है, कमी 1.66%। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आहाड़कूर की संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मर्दमांड। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? तो ये हो जाएगा बेराट। 50 नंबर क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो 50 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? जाएगा रज्जिल। क्या हो जाएगा? रज्जिल। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ। झालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये कीर्तिपाल है। ठीक है, कीर्तिपाल। इसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा देखिए लालगढ़ का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, दौलतबाग अजमेर, घाघरों जलावाड़ और कपिल सरोवर कोलायत। तो ऑप्शन नंबर 2। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। 55 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में था कर्नल एबोट। 56 नंबर क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था?
तो इब्राहिम लोधी को। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो कांतिलाल चौथाणी। 59 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो खजाए उल फुतुहा। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शिला लेखों में झल्लूर को किस नाम से जाना जाता था? तो जाबिलपुर के नाम से। नागणीची माता का मंदिर है, देखिए राठौड़ा की है, जोधपुर के राठौड़ा कुलदेवी है, लेकिन देखिए इसमें जो राइट आंसर है ये उत्कर्ष ने बाड़मेर माना है, ठीक है, बाड़मेर। नागणीची माता यहाँ पर बाड़मेर मानी गई है, ठीक है, जबकि जोधपुर की राठौड़ा की कुलदेवी है, तो इसमें जोधपुर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष ने बाड़मेर बताया है। इसके बाद देखिए, चिन्नका टीला ये किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम था? तो जयगढ़ दुर्ग। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो साहिब राम का था, मेवाड़ से। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए? तो कान का आभूषण है सूरलिया। शंकर नृत्य काल बिलो का है। नेमिनाथ बारह मासा के रचयिता कौन थे? तो इसके थे पलहण। कौन थे? पलहण। अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न से कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? यहाँ पर था प्रेम नारायण माथुर, ये नहीं था। कुदन की घटना ये सीख हो जाएगा, कुंदन है ये, ठीक है, यहाँ पर है देखिए कुंदन, तो शिखर। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 69 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही थी? तो एक। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल को। इसके बाद देखिए, 72 नंबर, चरण चरजाई से क्या अभिप्राय है? तो ये जाएगी करणी माता की स्तुतियाँ। 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को ये पद की शपथ नहीं दिलाता राज्यपाल। इसके बाद देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा, तो इसमें यही सही है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला जाएगा, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो एक नंबर। इसके बाद देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो प्रोटेम स्पीकर था यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 1985 में। इसके बाद देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो यहाँ पर 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, और 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, तो एक और दो दोनों सही है। इसके बाद देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 41। 80 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो यहाँ पर जाएगा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र हैं? तो 10 से 45 वर्ष की महिलाएं। इसके बाद देखिए, 83, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर पहला होगा, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, तो ये गलत है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी,
और इसने इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार अवसर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला। 84 नंबर क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान। ठीक है, चौथा स्थान। 85 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। तो पहला ही इसमें जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, एक नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं किया गया? तो यहाँ पर जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, दो नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम नाम है? तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल नेरेटिव म्यूजियम, चार नंबर। इसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 90%। 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जम्बूदीप 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर 67 वर्ष बाद मिला है, और 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी रोहट गांव पाली, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का देवाक्य था शांति के साथ में प्रगति। ठीक है, देखिए उत्कर्ष ने तो इसका आंसर बताया चार नंबर, शांति के साथ प्रगति। ठीक है, इसमें ये माना है गलत, लेकिन इसका गलत है ऑप्शन नंबर दूसरा। 90 नंबर, निम्न में से किसी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो ये दिया गया था आशीष पुरोहित को। किसको? आशीष पुरोहित को। इसके बाद देखिए 91, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ का टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDGs अपनाई गई? तो ये 2015। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, जनसंख्या प्रवर्धन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर जाएगा दक्षिण अमेरिका। 93, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा देखिए BCAD, पहले बी पटकोई, फिर नागा, फिर बेरिल, फिर मिजो, BCAD, चार नंबर। 94, देखिए सूची एक सूची दो को द्वीप उदय महासागर, तो येला पेगोस द्वीप ये प्रशांत महासागर में है, कंधारी द्वीप अंडमान महासागर में है, और ये कौन सा डियागो गार्सी द्वीप ये हिंद महासागर में है, और न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर दो हो गया, 2, 3, 1, 4। 95, निम्नलिखित में से कौन से एक भूमंडलीकरण हवा नहीं है? तो मानसूनी हवाई। इसके बाद देखिए 96, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है मैग्रोव वनों की। 97, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा अंकलेश्वर, कौन सा है अंकलेश्वर। 98, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर एक आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपयोग करने वाला है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पोम का शुभारंभ किया गया। तो दोनों इसमें सही है। इसके बाद देखिए 99, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पेन गंगा और वैन गंगा सहायक नदियाँ हैं, तो ये किसकी है, गोदावरी की। ठीक है, तो ये 100% थे जो ग्रुप डी का पेपर था सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर पूछे गए थे ये सभी जो आंसर की आपने देखी है यूट्यूब, ये जो कलाम सॉरी उत्कर्ष क्लासेज है जोधपुर, तो उसके द्वारा बताए गए आंसर किया, तो उसी के आधार पर अपने आपको बताया है। तो वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।